हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद एकेडमी फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सेकंड क्वेश्चन आइडल टीयूआई बीकॉम का। बहुत ही सिंपल है, पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है पेज नंबर 298 पे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ ऋतुजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड परेल, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करना, उसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। ऋतुजा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड परेल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, लाइबिलिटी रुपीज, रुपीज, असेट्स रुपीज, रुपीज। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मेट। मैंने जो स्टेप बताया था उसको फिर से एक बार बता देना, पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, एडजस्टमेंट को रीड करके अकाउंट को मार्क कर लेंगे कौन कौन से अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करेंगे, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट पोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट जो है उसको कम्प्लीट करके क्लोज करेंगे, फिर इसका जो अमाउंट रहेगा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके फिर लाइबिलिटी पूरा टोटल करेंगे और असेट्स पूरा टोटल कर लेंगे, ठीक है। और इसमें ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो एन फॉर्म में है, कि जैसे शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड अदर्स फंड, उस तरह का जो स्टेप्स है वो पूरा स्टेप उसी तरह से ही हमें अकाउंट्स को फॉलो करते हुए जाना है, जैसे असेट्स में कैश है, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, उस तरह से, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, मैं ट्रायल बैलेंस पूरा रीड करके बता दे रहा हूँ। शेयर कैपिटल, वाटर पंप, फर्नीचर, बिल्डिंग, सिंकिंग फंड, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंबर्स कंट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी चार्जेस, लिफ्ट मेंटेनेंस, बिल्डिंग फंड, रिजर्व फंड, मीटिंग फीस पेड, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, सैलरीज, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, इंश्योरेंस, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, कैश एट बैंक, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, ट्रांसफर ऑन फिक्स डिपॉजिट, ट्रांसफर फीस रिसीव, पार्किंग चार्जेस रिसीव, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, कैश इन हैंड, सब्सक्रिप्शन टू हाउसिंग फेडरेशन, और एडजस्टमेंट में यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे फोर एडजस्टमेंट दिया, देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन है कि नहीं, किसके ऊपर है, वाटर पंप के ऊपर, फर्नीचर और बिल्डिंग के ऊपर, सैलरी में आउटस्टैंडिंग है, वन मेंबर हैज नॉट पेड पार्किंग चार्जेस रुपीज 1000, एक है, और ट्रांसफर रुपीज 2000 टू सिंकिंग फंड, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को स्टार्टिंग से पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या दिया है, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कहां पर आ जाएगा, लायबिलिटी में, किसके अंडर में, तो शेयर कैपिटल के, शेयर कैपिटल, तो उसके अंदर ऑथोराइज इशूड एंड पेड कितना है, तो 2,85,000 है, यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2,85,000, ठीक है, 2,85,000 हो गया। अब उसके बाद क्या दिया, वाटर पंप, अभी वाटर पंप क्या है हमारा, एक तरह से फिक्स असेट्स है ना, वाटर पंप, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो हम लोग कहां पे लिख लेंगे उसको, असेट्स में, कहां पे लिख लेंगे, असेट्स। अब ये कौन सा असेट्स है हमारा, तीनों फिक्स असेट्स है ना, तो फिक्स असेट्स को हम लोग कहां पे लिखेंगे, जैसे यहां पे हमारा तो क्या आ जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस, यहाँ पे दो आता है हमारा, एक कैश एंड दूसरा जो रहेगा कैश एंड बैंक, ठीक है। अभी जैसे उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए, तो फिक्स असेट्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि बीच में बाकी के जो भी हमारे आएंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं वहां पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फिक्स असेट्स, अभी फिक्स असेट्स में जो भी है वो पूरा का पूरा हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या है, फर्नीचर 2,50,000, उसके बाद है
सॉरी पहले क्या है वाटर पंप 1,75,000 लिख लेंगे। वन लाख 75,000 एडजस्टमेंट है तो इधर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद क्या है फर्नीचर 2,50,000 फर्नीचर लिख लो। इनर कॉलम में लिख लेंगे क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें बिल्डिंग कितना है 3,34,50,000 कितना है बिल्डिंग। ठीक है उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें सिंकिंग फंड कहां पर आ जाएगा हमारा लायबिलिटी में किसके अंदर रिजर्व एंड अदर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड अदर फंड इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे सिंकिंग फंड। अभी देखो सिंकिंग फंड के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे। कितना अमाउंट है 43,500 है कि नहीं 43,500। उसके बाद क्या दिया है प्रॉपर्टी टैक्स 52,800 तो एक्सपेंडिचर है तो यहां पर आ जाएगा टू प्रॉपर्टी टैक्स 52,800 ठीक है। उसके बाद क्या दिया हमें मेंबर कंट्रीब्यूशन 4,94,600 ये क्या हमारा इनकम तो इनकम में लिख लेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया है। क्या दिया है मेंबर्स कंट्रीब्यूशन ठीक है 4,94,000 है कि एकदम सिंपल। उसके बाद क्या दिया है सिक्योरिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर में आ जाएगा डेबिट साइड में टू सिक्योरिटी चार्जेस अमाउंट कितना है 85,800। उसके बाद क्या दिया है लिफ्ट मेंटेनेंस ये भी डेबिट में आ जाएगा हमारा लिफ्ट मेंटेनेंस कितना है 34,600 ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बिल्डिंग फंड तो बिल्डिंग फंड कहां पर आ जाएगा हमारा रिजर्व एंड अदर फंड्स के अंदर लिख लो यहां पर बिल्डिंग फंड कितना अमाउंट है 35,50,000 आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है 35,50,000 है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ हमें रिजर्व फंड 1,12,800 सेम उसी के नीचे आ जाएगा रिजर्व फंड इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एडजस्टमेंट रहता है हिडन 1,12,800 है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया हमें मीटिंग फीस पे तो यहां पर आ जाएगा हमारा मीटिंग फीस पे कितना है 24,600 है कि नहीं। उसी तरह एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एक्सपेंसेस तो यहां पर भी आ जाएगा सेम वही एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एक्सपेंसेस
बॉडी मीटिंग एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है 12,500, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 12,500। उसके बाद क्या दिया है, ऑडिट फीस लिख लेंगे यहाँ पे, ऑडिट फीस। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है क्या आपको, असेट्स और लाइबिलिटी में जो अकाउंट हम लोग पोस्ट करेंगे, बाकी यहाँ पे आप आगे पीछे कर सकते हो। टू सैलरीज, अभी सैलरी के ऊपर आउटस्टैंडिंग है ना, तो उसको क्या करेंगे अमाउंट को इनर कॉलम में लिख लेंगे, कहां पर आ जाएगा वो इनर कॉलम में 32,100। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, टू ऑनरेरियम, टू सेक्रेटरी, टू सेक्रेटरी, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में पूरा फुल फॉर्म लिखो, जो भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम रहेगा उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा, इंश्योरेंस, अभी डायरेक्टली पूरा लाइन से एक्सपेंस ही दे दिया। इंश्योरेंस कितना है 16,300। उसके बाद लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, ये भी सिंपल है, यहीं पर आ जाएगा लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है 24,500। है कि नहीं, उसके बाद जनरल एक्सपेंस सेम यहीं पर आ जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस कितना 28,300, तो 28,300। उसके बाद क्या दिया हमें, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, ये क्या आ जाएगा, हमने क्या किया है, हमारा कुछ पैसा था उसको हमने किस कहां पर डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया ना, तो एक तरह से क्या आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट, अमाउंट कितना है उसका 5 लाख है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहां पर लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट के अंडर में। एफडी विद बैंक, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे। ठीक है, 5 लाख सिंपल एकदम। अब क्या दिया हुआ है हमें, कैश एट बैंक, बैंक में कितना कैश है हमारा 40,000, तो कैश एट बैंक ले लो यहां पे 40,000, सिंपल एकदम, क्योंकि ये जो है हमारा फर्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस का, ये तो कैसा कंपलसरी हमें मिलता ही मिलता है, जैसे कुछ 2-3 आपको फिक्स मिलेंगे, कैश बैंक बैलेंस, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं, तो ये पूरा स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अभी यहां पर क्या है, इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, तो मतलब क्या हमारे लिए इनकम है, यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना है 45,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रांसफर फीस रिसीव, ये भी क्या है, इनकम है, बाय ट्रांसफर फीस रिसीव, अमाउंट कितना है 5,000, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 5,000। उसके बाद क्या दिया, पार्किंग चार्जेस रिसीव, अभी देखो पार्किंग चार्जेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिख लेंगे, बाय पार्किंग चार्जेस रिसीव, कितना है अमाउंट 60,000। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट है, कितना है 1,52,000, तो कहां पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे लायबिलिटी में।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट फॉर ऑफ लास्ट ईयर कितना है 1,50,000 है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है कैश एट बैंक 2,900 तो कैश एट बैंक लिख लो नहीं कैश इन हैंड है ना कैश इन हैंड 2,900 तो कैश इन हैंड 2,900 इसको ऐड करके आउटर कॉलम में ले लेंगे 42,900 है कि सिंपल एकदम। उसके बाद क्या दिया है सब्सक्रिप्शन टू हाउसिंग क्या दिया है सब्सक्रिप्शन टू हाउसिंग फेडरेशन यहाँ पे क्या किया हमने सब्सक्रिप्शन दिया है इसको टू हाउसिंग फेडरेशन को मतलब हमने क्या किया एक तरह से पेड किया मतलब हमारे लिए क्या हो एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन टू हाउसिंग फेडरेशन ठीक है अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000 ठीक है। अभी यहां पे क्या किया हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में था तो दोनों साथ में हम लोग पोस्ट करते हुए चले गए अब क्या करेंगे एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट पोस्ट कर देंगे। फर्स्ट क्या दिया डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएट वाटर पंप 20% तो अभी वाटर पंप और फर्नीचर के ऊपर 20% है ठीक है तो वाटर पंप के ऊपर 20% चार्ज कर देंगे डेप्रिसिएशन तो 1,75,000 इंटू 20% कितना जाएगा 35,000 माइनस कर लो 1,75,000 में से आउटर कॉलम में कितना जाएगा हमारा 1,40,000 है कि नहीं। अब फर्नीचर के ऊपर भी कितना है सेम 20% तो माइनस कर दो लेस डेप्रिसिएशन एट 20% कितना तो 2,50,000 इंटू 20% कितना जाएगा 50,000 ये कितना आ जाएगा हमारा 2,00,000 ठीक है लेस डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर भी है इस पे कितना है 5% है कि नहीं कितना है 5% तो 5% माइनस कर दो 34,50,000 इंटू 5% कितना आ जाएगा 1,72,500 माइनस कर दो तो 34,50,000 में से 1,72,500 माइनस कर दें कितना आ जाएगा 32,77,500 ठीक है। अभी हमने क्या किया एक ही फेट असेट्स में से माइनस किया तो दूसरा फेट क्या आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले लेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर है वाटर पंप लिख लो यहाँ पे वाटर पंप फर्नीचर और बिल्डिंग अमाउंट लिख लो 35,000 उसके बाद कितना है 50,000 है कि नहीं तो उसके बाद 1,72,500 और इसको पूरा ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे तो 1,72,500 प्लस 50,000 प्लस 35,000 ये कितना आ जाएगा हमारा 2,57,500 तो 2,57,000 ठीक है नहीं ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया दो इफेक्ट एक असेट्स में से माइनस कर दिया दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड को लिख दिया। उसके बाद सेकंड क्या दिया है
सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना है 5100, तो ऐड कर देंगे 32100 प्लस 5100 टोटल कितना आ जाएगा 37200। और दूसरा इफेक्ट कहां पर आ जाएगा हमारा, लाइबिलिटी साइड में क्या लिख लेंगे, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन के अंडर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5100। अभी आउटर कॉलम में क्यों, क्योंकि एक ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है हमारे पास, है कि नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा नेक्स्ट, वन मेंबर हैज नॉट पेड पार्किंग चार्जेस। अभी यहाँ पे क्या है, एक मेंबर ने पार्किंग चार्जेस पेड नहीं किया, तो यहाँ पे हमने पार्किंग चार्जेस रिसीव किया है तो ऐड, है कि नहीं, क्या आ जाएगा रिसीवेबल कितना है अमाउंट 1000, तो 1000 ले लो यहाँ पर, ये टोटल कितना आ जाएगा हमारा 61000। अभी यहाँ पे हमने रिसीव नहीं किया तो मतलब हमें रिसीव करना बाकी था, तो हमारे लिए क्या हो गया रिसीवेबल हो गया मतलब कहाँ पे, एक इफेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरा इफेक्ट असेट्स में कहाँ पर, यहाँ पे ले लेंगे सन्ड्री डेटर्स के अंदर क्या आ जाएगा, तो जो दिया है ना पार्किंग चार्जेस रिसीवेबल लिख लेंगे यहाँ पे, पार्किंग चार्जेस रिसीवेबल अमाउंट कितना तो 1000, है कि नहीं, एकदम सिंपल, दो दो इफेक्ट पोस्ट करते चले जाएंगे हमारा आंसर 100% राइट हो ही जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या दिया, ट्रांसफर रुपीज 2000 टू सिंकिंग फंड। अब यहाँ पे क्या है देखो, रिजर्व फंड तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे सिंकिंग फंड में भी 2000 रुपीज ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो सिंकिंग फंड में ऐड कर लेंगे, ऐड ट्रांसफर रुपीज कितना है 2000, ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लो 43500 प्लस 2000 कितना आ जाएगा 45500, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट कहां पर आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या लिखेंगे उसको टू सिंकिंग फंड अमाउंट कितना तो 2000, सिंपल, समझ में आया, दो इफेक्ट। अब हम लोग चेक करेंगे और कोई एडजस्टमेंट बचा है क्या, नहीं बचा, तो हम लोग क्या करेंगे अकाउंट को क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी साइड ज्यादा है, इनकम साइड ज्यादा है या फिर एक्सपेंडिचर साइड, तो एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो, जैसे 494 है, 45 है, फिर 5000 है, 61, अब यहां से कंपेयर कर लो, मतलब क्या हमारा इनकम साइड ही ग्रेटर है, तो ऐड कर लेंगे 4,94,000 प्लस 45,000 5,000 एंड 61,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 6,05,000 इनकम साइड, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे दोनों साइड लिख लेंगे कितना 6,05,000, सेम वही अमाउंट यहाँ पे भी आ जाएगा, डेबिट बैलेंस पूरा माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 52,800 माइनस 85,800 34,600 24,600 12,500 8,500 37,200 माइनस कर देंगे उसमें से 5,000 16,300 24,500 28,300
माइनस 5000 माइनस 2,57,500 500 माइनस 2000 तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 11,000। अभी 11,000 जो आ गया हमारा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसका 25% क्या करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग का एक मिस्टेक हो गया था, बाय मेंबर्स कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना था 4,94,600। इसको हम लोग पूरा टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 6,05,600। सेम वही अमाउंट हम लोग कहाँ पे लिख लेंगे एक्सपेंडिचर साइड में भी 6,05,600। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा सरप्लस कितना आ जाएगा हमारा 11,000। 11,000 का 25% निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 2,750। ये क्या आ जाएगा हमारा रिजर्व फंड और बाकी का क्या आ जाएगा सरप्लस कितना 8,250। ठीक है तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग 2 रिजर्व फंड और यहां पे आ जाएगा हमारा 2 सरप्लस। रिजर्व फंड कितना है तो 2,750 और सरप्लस कितना आएगा 8,250 कितना आ जाएगा 8,250। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसफर कर देंगे तो रिजर्व फंड तो पहले इसमें ऐड हो जाएगा ऐड ट्रांसफर कितना तो 2,750 यहाँ पे लिख लो 2,750 ऐड कर देंगे 12,800 प्लस 2,750 कितना जाएगा 1,15,000 1,15,550। अब हम लोग क्या करेंगे एक इफेक्ट तो यहाँ पे हो गया और एक रिजर्व फंड में ऐड करके ले लिए, दूसरा सरप्लस को कहाँ पे ऐड कर लेंगे ऐड करंट ईयर प्रॉफिट या फिर इसको सरप्लस भी लिख सकते हैं। सरप्लस कितना है 8,250 लिख लो यहाँ पे 8,250 ऐड करके इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1,52,000 प्लस 8,250 कितना आ जाएगा 1,60,250 1,60,250। ठीक है और इसको हम लोग क्या कर लेंगे टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद अगर पूरी वैल्यू सेम आई तो समझ लो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। ठीक है तो पहले हम लोग लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे 2,85,000 प्लस 45,500 35,50,000 प्लस 1,15,550 ठीक है प्लस 5,100 प्लस 1,60,250 कितना आ जाएगा 41,61,400। अब हम लोग सेम चेक कर लेंगे पहले इसको नोट कर लो यहाँ पे लाइबिलिटी का कितना आ रहा हमारा 41,61,400। अब असेट्स का चेक करेंगे तो फर्स्ट अमाउंट कितना है 42,900 प्लस 5 लाख प्लस 1,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2 लाख
प्लस 32,77,500 कितना आ गया 41,61,400 मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है 41,61,400 तो 41,61,400 अभी यहाँ पे देखो हमारा लाइबिलिटी और असेट्स दोनों का अमाउंट क्या हो गया इक्वल हो गया मतलब हमारा पूरा का पूरा आंसर क्या है करेक्ट है हमने कोई भी एडजस्टमेंट या फिर कोई भी अकाउंट हमने मिस नहीं किया है तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है जो पॉइंट नोट करना है कि जो फॉर्मेट है एन फॉर्म बैलेंस शीट का वो आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाना चाहिए जैसे इसमें बहुत सारे अकाउंट्स नहीं आ रहे लेकिन हम लोग ऐसा आगे पीछे नहीं लिख सकते उसको क्या हमें स्टेप बाय स्टेप ही लिखना वो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कम्प्लीट हुआ इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना उसके साथ में अगर आप मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताना जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें वीडियो को लाइक करें थैंक यू फॉर वॉचिंग